आज मैं बात करने वाला हूँ हाथ में कपकपी आना, राइटर्स क्रैम्स के बारे में। जो लोगों को ये हाथ में कपकपी आती है लिखने के समय स्पेशली, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये राइटर्स क्रैम को एक्चुअली फोकल डिस्टोनिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रेन से अपने भेजे से गलत इन्फॉर्मेशन अपने हाथ के पेशियों को, हाथ के मसल्स को जाती है। जैसी जाना चाहिए वैसी इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है, तो फिर क्या होता है कि ये जो पेशिकाएं जो है वो पेशिकाएं कहाँ आकुंचन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ। स्पेशली ये लिखने के समय, टाइपिंग करने के समय ये ज़्यादा हो जाता है, और लोगों के सामने चाय पीना है या लोगों के सामने कुछ भी करना है तो हाथ कंपना शुरू हो जाता है। ये बीमारी करीब करीब 10 लाख लोगों में, 10 से 15 लोगों को दिखती है। अनुवंशिकता कुछ हद तक इसमें रोल प्ले करती है, और 30 से 50 साल की उम्र में ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें होता क्या है, लक्षण मेनली है कि पेन को ये बहुत ही ऐसा टाइट पकड़ते हैं, इतना टाइट पकड़ते हैं कि वो ऐसा हिलने लगता है। कोई भी तनाव सामने आ गया तो वो ज़्यादा हो जाता है, कोई भी आदमी सामने है तो ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली इनको लगता है कि बैंक में जब जाते हैं, बैंक में सिग्नेचर करनी पड़ती है, विड्रॉल स्लिप के ऊपर सिग्नेचर करनी पड़ती है, किसके सामने साइन करनी पड़ती है, तो ये कर नहीं सकते। इसमें ट्रीटमेंट है, तो ये ट्रीटमेंट है उसको रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट सिखाना पड़ती है, रिलैक्सेशन थेरेपी। हाथ को स्पेशली हम क्या करते हैं, इनको हिप्नोथेरेपी सिखाते हैं, सम्मोहन उपचार, जिससे रिलैक्सेशन हाथ को कैसे देना, बॉडी को कैसे देना। इसमें उनको विजुअलाइजेशन सिखाते हैं कि विजुअलाइजेशन करके लोगों के सामने आप खड़े हो और साइन कर रहे हो, ऐसे इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। फिर कुछ मेडिसिन है, लाइक ट्राइएक्सिफेनिडिल, बेंजोस्टोपिन जैसी मेडिसिन है, वो मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा ट्रेमर्स जो आते हैं, वो ट्रेमर्स कम करने के लिए, मतलब जो कपकपी आती है वो कपकपी कम करने के लिए प्रोप्रानोल जैसी दवाई देते हैं, अल्प्राजोलाम प्रोप्रानोल जैसी दवाई। ये जो हाथ में कपकपी आना, ये फैमिलियल ट्रेमर से अलग है। फैमिलियल ट्रेमर्स में ऐसा होता है कि ये फैमिलीज में चलती है, और बिना कुछ वजह हाथ ऐसे कप ऐसे ऐसे हिलेंगे उनके बिना कुछ वजह। पार्किंसोनिज्म जो बीमारी है, जो ब्रेन की बीमारी है, पार्किंसंस डिसीज, उसमें भी ऐसा हाथ कड़क हो सकता है और हाथ कप सकता है। तो हमको देखना पड़ता है कि ब्रेन का प्रॉब्लम है, कि टेंशन का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, राइटर्स क्रैम्प है, कि फैमिलियल ट्रेमर्स है। ये ट्रीटमेंट दिया तो इसमें बहुत फ़ायदा दिखाई देता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।